सर्दी साल का मेरा पसंदीदा मौसम है। बर्फबारी और छुट्टियों के एहसास के बारे में कुछ ऐसा है जो मुझे पूरे समय अच्छे मूड में रखता है। हालांकि मैं काफी ठंडे राज्य में रहता हूँ, जहाँ अक्सर इन सर्दियों के महीनों के दौरान टनों बर्फबारी होती है। इस समय लगभग 3 वर्ष के लिए पार्ट टाइम डोरो डैश ड्राइवर होने के कारण ये काम और भी कठिन हो गया, क्योंकि सड़कों को जीतने में थोड़ा समय लगा और जब जुताई होगी भी तो भारी बर्फबारी से सड़कें फिर से ढक जाएंगी। हालांकि इसने काम को खतरनाक और कभी कभी असंभव भी बना दिया था, फिर भी मैंने आमतौर पर भारी बर्फबारी और ढकी हुई सड़कों वाले दिनों में भी गाड़ी चलाना चुना। कारण, कोई भी सड़क पर नहीं होगा और दूसरे डोर डैश ड्राइवर भी घर पर ही होंगे, जिससे मुझे और ऑर्डर पहुंचाने को मिलेंगे और मैं काफी पैसे कमा सकता हूँ। उस वर्ष भी सब कुछ वैसा ही था और वो दिसंबर का महीना चल रहा था जब भारी बर्फबारी की रात आई। मैं अपनी दूसरी नौकरी के कारण 7 या 8 बजे तक डिलीवरी शुरू करने में सक्षम नहीं था, लेकिन जैसे ही मौका मिला मैंने हमेशा की तरह गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। सड़क पर बहुत कम कारें थीं और मेरा डोर डैश ऐप भी मुझे डिलीवरी के लिए अच्छे पैसे दे रहा था। मैंने 2 डिलीवरीज करी और बर्फबारी की स्थिति खराब होने से पहले ही घर वापस जाने का सोचा। सीन भयानक था और सड़कों को पर्याप्त मात्रा में जोता नहीं जा रहा था। मेरी कार कबाड़ का टुकड़ा नहीं थी, इसमें ऑल व्हील ड्राइव और सभी सीजन के टायर थे, लेकिन ये बर्फ वास्तव में मुझे संघर्ष करने पर मजबूर कर रही थी। मैं रुकने के संकेत तक धीमी गति से चलता रहा और मुश्किल से ही दोबारा चलना शुरू कर पाया, क्योंकि मेरे टायर नीचे से घूम गए। चौराहे से गुजरते समय मेरे फोन पर एक ऑर्डर आया। मैंने इसे 1 सेकंड में देख लिया और मन ही मन सोचा कि क्या मुझे यह ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। अंत में मैंने इसे अस्वीकार करने और ऐप को बंद करने का सोचा। सड़कें मेरे लिए बहुत खतरनाक थीं। मैं जिस विशिष्ट सड़क पर था वो मेन शहर से बहुत दूर नहीं थी, इसलिए मेरा लक्ष्य जितना संभव हो सके शहर के करीब जाना था। आशा है कि अधिक बर्फ हटाने वालों ने सड़क को उजागर कर दिया है। मैंने धीरे धीरे गाड़ी चलाई। जैसे जैसे खराब परिस्थितियों से गुजरता रहा, मुझे मुश्किल से मेरे सामने सड़क के बीच में कुछ पड़ा दिखाई दे रहा था। बहुत देर हो जाने तक इसे देखने में असमर्थ होने के कारण मैंने ब्रेक मारा और जब मेरी कार समय पर रुकी तो पिछले टायर मेरे पीछे फिसल गए और मेरी कार को सड़क से दूर बर्फ की मोटी परत में खींच लिया। शुक्र है ये एक हल्की कम गति वाली दुर्घटना थी, लेकिन इससे उस स्थिति में कोई मदद नहीं मिली जिसमें मैं था। मेरी कार अब पूरी तरह से बर्फ में फंस गई थी और मुझे पता था कि मुझे मदद की जरूरत होगी। फिर अपनी वार्निंग लाइटें चालू की और सड़क किनारे सहायता के लिए फोन करने के लिए अपना फोन उठाया। मैंने हेल्पर्स को अपना लोकेशन भेजा, जिसने तब कहा कि उसे आने में लगभग 15 से 20 मिनट लगेंगे। मैं खुशी से सहमत हो गया और उसे थैंक्स कहा। मैं अपनी सीट पर पीछे झुक गया। मुझे खुशी है कि मैंने कोई भी ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया था। जब मैं वहां बैठा बर्फबारी को देख रहा था तो कुछ मिनट बीत गए और तभी मुझे साइड मिरर में टिमटिमाती रोशनी दिखी। इसे देखना कठिन था, लेकिन मैं ये समझने में सक्षम था कि ये एक येलो लाइट थी जो धीरे धीरे चमक रही थी और मेरी ओर आ रही थी, क्योंकि ये मेरी करीब आ रही थी और मेरे पीछे सड़क के किनारे पर खड़ी थी। ये एक सामान्य कामकाजी वाहन की तरह लग रहा था। अपने फोन को पीछे मुड़कर देखने पर मुझे कॉल किए हुए केवल 4 मिनट ही हुए थे, इसलिए ये आदमी वास्तव में बहुत जल्दी आ गया था। लेकिन मैं किसी के बारे में कोई कंप्लेंट नहीं करने वाला था। कुछ मिनट तक अपनी कार में इंतजार करने के बाद मैंने अपने पीछे एक दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी और देखा कि एक आदमी मेरी खिड़की की ओर आ रहा है। हेलो सर, क्या आपको यहाँ कोई मदद की जरूरत है, उसने कहा। हाँ, मैंने कुछ मिनट पहले ही फोन किया था, मुझे बस सड़क पर वापस जाना है, मैंने जवाब दिया। हालांकि खुद को समझाना थोड़ा अजीब लगा क्योंकि स्थिति बिल्कुल स्पष्ट थी। ठीक है, मैं देखता हूँ कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। वो आदमी मेरी कार के पीछे की ओर चला गया और उसका निरीक्षण करने लगा और संभवत हुक लगाने के लिए जगह तलाश रहा था। अब मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया है, लेकिन मैंने हमेशा माना है कि वे आपकी कार में चरखी लगा देते हैं और आपको बाहर खींच लेते हैं। जब मैंने रियर व्यू मिरर में देखा तो वो आदमी कुछ देर तक कार के पीछे खड़ा रहा। तभी जैसे ही उस आदमी ने ट्रंक खोला, अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि उसने ट्रंक को आधा खुला रखा हुआ था और अपनी आंखों से मेरे गाड़ी के अंदर के दृश्य को देख रहा था। उसने ट्रंक को फिर से पटक कर बंद करते हुए बुदबुदाया। मुझे नहीं पता था कि ये प्रक्रिया कैसे काम करती है, लेकिन ये वास्तव में अजीब था क्योंकि उसने काफी असभ्यता से ट्रंक खोला। मैं ऐसा कोई कारण नहीं सोच सका जिसके लिए उसे मेरा ट्रंक खोलने की जरूरत थी। मेरा शक बढ़ने लगा
ये देखते हुए कि उसे कोई जानकारी नहीं है, मैंने तुरंत सड़क के किनारे हेल्पर के नंबर पर फिर से कॉल किया। जब मैं उसी आदमी के सामने उत्सुकता से इंतजार कर रहा था, कुछ देर बाद मैंने जिस हेल्पर को कॉल किया था उसका कॉल आया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। हम बस कुछ ही मिनट की दूरी पर हैं, क्या आपको कुछ और चाहिए? तभी वो आदमी मेरे खिड़की के पास आया और मुझसे कहा कि उसे मेरी चाबियां चाहिए और जब तक वो गाड़ी को तैयार कर रहा है मुझे कार से बाहर निकलना होगा। मैंने फोन कान के पास रखा, फिर अजीब तरीके से उस आदमी से कहा, मुझे बस एक मिनट चाहिए। चूंकि मैं फोन पर था उसने कोई जवाब नहीं दिया बल्कि वहीं खड़े होकर मुझे देखता रहा। मैंने खिड़की ऊपर कर दी। वो आदमी तुरंत खिड़की के ऊपर दस्तक देने लगा और आक्रामक तरीके से मुझसे पूछने लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर मैंने दरवाजे लॉक कर दिए। जैसे ही उसने ये सुना उसने दरवाजा खींचने की कोशिश की और मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं डर गया ये जानते हुए कि मैं कहीं नहीं जा सकता। जब ये सब चल रहा था मैंने अपने पीछे ट्रक से एक और एक दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी और देखा कि एक दूसरा आदमी हाथ में कुछ लेकर मेरी ओर भाग रहा है। तभी हमारे पीछे से एक बेहद तेज हॉर्न बजा जिसके बाद मेरी कार पर तेज रोशनी चमकने लगी। दोनों व्यक्ति वापस अपने ट्रक की ओर भागे और सहायता ट्रक को सड़क के किनारे देखते हुए तुरंत चले गए। दो आदमी बाहर निकले और ये सुनिश्चित किया कि मैं ठीक हूं या नहीं। जाहिर तौर पर मैंने कॉल चालू छोड़ दी थी और लोगों ने सुना कि क्या हो रहा था, इसलिए वे मेरी मदद करने के लिए दौड़े। इसके अलावा पुलिस को सूचित करने के बाद मुझे पता चला कि मेरे जैसे कई मामले थे जो तब होते थे जब हमारे यहाँ भारी बर्फबारी होती थी। माना जाता है कि ये लोग फंसे हुए लोगों की तलाश में इधर उधर गाड़ी चलाते हैं, फिर उनकी कारें चुरा लेते हैं और सड़क किनारे सहायक होने का नाटक करते हुए उन्हें लूट लेते हैं। मुझे इस बात पर भी कोई डाउट नहीं है कि वे लोग वही थे और तब से लेकर आज तक मैंने कभी भी खराब परिस्थितियों में गाड़ी चलाना अवॉइड किया। मेरे अंकल ने यूरोप में अपने परिवार के साथ छुट्टियों पर जाने के दौरान अपने घर की देखभाल करने के लिए पेशकश की थी। मेरी आंटी और मेरा कजिन पहले से ही चले गए थे जबकि मेरे अंकल को पहले कुछ काम निपटाने थे। एक बार जब उन्होंने अपने सारे काम पूरे कर लिए तो उन्होंने मुझे कुछ हफ्तों के लिए घर की देखभाल करने के लिए कहा। वो जानते थे कि मैं अकेला रहना कितना पसंद करता हूँ। उन्होंने मुझे किसी भी दोस्त को आमंत्रित करने या अंगर में ज्यादा घूमने से मना किया। मुझे समझ नहीं आया कि क्यों, लेकिन मैंने मान लिया कि वे नहीं चाहते थे कि मैं ज्यादा बाहर घूमूं क्योंकि बड़ी मात्रा में बर्फ जमा होने के कारण कोई दुर्घटना भी हो सकती थी। मुझे घर की देखभाल कैसे करनी थी इसके बारे में निर्देश देने के बाद उन्होंने मेरे लिए ढेर सारा खाना फ्रिज में छोड़ दिया। मुझे ये एक्सेप्ट करना होगा कि शुरुआत में ये वास्तव में मेरी अपेक्षा से बेहतर था। मुझे अकेले रहने में असहजता महसूस नहीं हुई। आधी रात तक सब कुछ ठीक चल रहा था। एक शोर ने मुझे जगा दिया। डर से ज्यादा आश्चर्य हुआ। मैं जल्दी से उठा और चारों ओर देखा। वहां कुछ भी नहीं था, बस मेरे अंकल के कमरे का अंधेरा था जो खिड़की से आ रही चांद की रोशनी से जगमगा रहा था। मैंने खिड़की से बाहर देखा कि क्या बर्फबारी हो रही है और मुझे आश्चर्य हुआ। न केवल बर्फ गिर रही थी बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे बाहर बर्फीला तूफान आया हो। हैरान होकर मैं बाहर देखता रहा। जब मैंने नीचे सामने वाले दरवाजे से वही आवाज सुनी तो मैं तेजी से मुड़ा। यही वो क्षण था जब मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने सोचा कि संभवत दरवाजे पर कुछ उड़ गया है, लेकिन मैं श्योर नहीं था। मैं नीचे गया, रास्ते की सभी लाइटें चालू कर दी और सामने के दरवाजे के छेद से बाहर देखा। कुछ न देखकर मैंने दरवाजा जोर से खोला, कोशिश की कि ठंड या बर्फ को अंदर न आने दूं। मैं ये देखकर डर गया कि कदमों की आहट सीधे दरवाजे की ओर जा रही थी। मैंने जोर जोर से सांस लेते हुए दरवाजा जोर से बंद कर दिया और उसे लॉक कर दिया। इस मौसम में बाहर कौन होगा, मैंने मन ही मन कहा, घर के चारों ओर देखते हुए जैसे ये पता लगाने के लिए कि आगे क्या करना है। मैं शीशे में से देखते हुए पीछे के दरवाजे की ओर भागा। वो इतना अंधेरा और बर्फीला था कि कुछ फीट से अधिक दूरी पर भी देखना संभव नहीं था, लेकिन बर्फ के बीच से मैंने एक बहुत ही छोटे व्यक्ति को घर से दूर जाते हुए देखा। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई बच्चा हो जिसकी उम्र 9 या 10 साल से अधिक ना हो। हवा की हल्की बिजली ने मुझे कुछ सेकंड्स के लिए अधिक स्पष्ट रूप से देखने की अनुमति दी और निश्चित रूप से घर के बाहर एक बच्चा घूम रहा था। मैं अपना फोन लेने के लिए ऊपर की ओर भागा, फिर अपने घर पर बच्चे की सूचना देने के लिए 911 पर कॉल किया। मैं पीछे की खिड़की के पास रुका रहा और बर्फीले अंधेरे में देखता रहा कि क्या बच्चा दोबारा दिखाई देता है, लेकिन जब पुलिस आई
तो वो जा चुका था। मैंने उन्हें स्थिति के बारे में विस्तार से बताया। जब मैं बात कर रहा था तो हम किचन में थे, लेकिन सामने के दरवाजे पर एक धीमी दस्तक से हम हैरान हो गए। एक ऑफिसर ने मुझे यहीं रुकने के लिए कहा, जबकि वे दोनों ये देखने के लिए गए कि वहाँ पर कौन है। जैसे ही ऑफिसर ने उसे खोला तो वही पहले वाला बच्चा सामने आ गया। ऑफिसर ने बच्चे को अंदर लिया। वह स्पष्ट रूप से चिंतित था, क्योंकि लड़के ने मोटी जैकेट या कुछ भी नहीं पहना था, केवल एक हल्की सी स्वेटशर्ट पहनी थी। दूसरा ऑफिसर किसी और की तलाश में बाहर निकला। फिर घर में दोबारा प्रवेश करते ही उसने अपने पीछे का दरवाजा बंद कर लिया। बच्चे के चेहरे की अभिव्यक्ति का कारण करना कठिन था। ऑफिसर बहुत सारे सवाल पूछ रहा था, जैसे कि उसके माता पिता कहाँ थे और वो क्या कर रहा था, लेकिन लड़का कुछ नहीं बोला। ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं खो गया हो। ये सब बिल्कुल मेरे सामने घटित हो रहा था, फिर भी ये बिल्कुल भी वास्तविक नहीं लग रहा था। कौन सा बच्चा आधी रात को बर्फीले तूफान में घूमता रहता है? उसने दरवाजे को क्यों खटखटाया? वो अकेला और अभिव्यक्तिहीन क्यों था? हमें हफ्तों तक जवाब नहीं मिला। तब तक मेरे अंकल वापस आ गए थे और उन्हें घर की निगरानी करने के लिए मेरी जरूरत नहीं थी। हालांकि मुझे उनके मिलने के 2 हफ्ते बाद एक अन्य परिवार ने निश्चित रूप से उस लड़की की पहचान महीनों पहले अपने खोए हुए बच्चे के रूप में की। इस खबर को पढ़ते पढ़ते मेरा दिमाग खराब हो गया, लेकिन चीजें और अजीब होती गई। 1 महीना भी नहीं हुआ था और एक और एक लापता बच्चा मेरे अंकल के घर के सामने सड़क पर बैठा हुआ पाया गया, जब वो छुट्टियों पर थे दोबारा। जाहिर तौर पर दोनों लापता बच्चों के बीच कोई संबंध नहीं थे, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। इसने मुझे हर चीज पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया, जैसे कि मेरे अंकल क्यों नहीं चाहते थे कि कोई आए और मैं यार्ड से बाहर रहूं। क्या वो कुछ ऐसा कर रहे थे जिसके बारे में वो मुझे ना बताना चाहते हों? अपने परिवार के चले जाने के कई दिन बाद ही वो क्यों जाते थे? कहीं वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो नहीं कर रहे थे? जाहिर है मैं इस चीज के बारे में पूरी तरह से सोच विचार कर सकता हूँ। पहला लड़का मिलने के बाद पुलिस ने घर की जांच की और मेरे अंकल ने हर बात का पालन किया। ऐसे में 2 लापता बच्चों का उनके घर के बाहर पाए जाना एक बड़ा कोइंसिडेंस हो सकता है, या फिर बिल्कुल भी कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। मैं और मेरा परिवार बर्फ में मछली पकड़ने के लिए नॉर्थ की ओर जाएंगे। जब मैं छोटा था तो मेरे माता पिता के मित्र थे, जिनके पास लगभग हर जगह केबिन थे। लगभग 1 मील की दूरी पर एक छोटा सा गैस स्टेशन था, लेकिन उसके बाद कुछ और देखने में लगभग 20 से 30 मिनट लग जाते थे। हमारे रास्ते में बर्फ गिरनी शुरू हो गई थी और मैं बस वहीं रुकना चाहता था। जहां हम जा रहे थे वहां पहुंचने में 8 मिनट का सफर था और उस समय लगभग 4 बजे होंगे। आखिरकार जब हम वहां पहुंचे तो जनवरी का महीना था, इसलिए सूरज पहले ही डूबने लगा था और मैं काफी थक गया था। हम अपने केबिन में पार्किंग में चले गए और सामान उतारना शुरू कर दिया। केबिनों में स्मार्ट ताले थे, इसलिए आपको बस कोड प्राप्त करना है और उसे एंटर करना है। फिर यह आपको दरवाजा खोलने के लिए एक चाबी देगा, लेकिन मैंने देखा कि दरवाजे तक जाने वाली पटरियां पहले से ही थीं। मैंने अपने डैड को बताया और उन्होंने कहा कि शायद ये सफाई करने वाले व्यक्ति का था। मैंने उनकी बात मान ली और दरवाजा खोलने चला गया। अंदर चलते हुए मैंने फर्श पर थोड़ा पानी देखा, फिर मैंने मान लिया कि ये कोई सफाई करने वाली महिला या कोई और थी। हालांकि इसके अलावा ये ठीक लग रहा था और जैसा मुझे याद था वैसा ही था। मैं अपने कमरे में गया जिसमें मैं हमेशा रहता था और सामान खोलना शुरू कर दिया, लेकिन जब मैं खिड़की के पर्दे को बंद करने के लिए गया तो मुझे फिर से पटरियां दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे वे जंगल से हमारे घर की ओर आ रहे थे और बर्फबारी को देखते हुए उन्हें ताजा होना पड़ा। मैंने अपने डैड को बताया और उन्होंने कहा कि वे इसे चेक करेंगे। हालांकि जब तक हमने सब कुछ उतार दिया तब तक बर्फबारी छींटे से लगभग बर्फीले तूफान में बदल चुकी थी। जैसे कि मेरे डैड ने कहा था, अगर कोई वहां था तो वो निश्चित रूप से वहां से चला जाएगा अगर वो होशियार व्यक्ति हो तो। उन्होंने मेरी और मेरी माँ के लिए स्पेगेटीज बनाए। फिर मैं बिस्तर पर चला गया। कुछ घंटों बाद मैं दीवार पर थपथपाहट से जागा। ऐसा लग रहा था मानो ये मेरी खिड़की के बाहर से आ रहा हो। मैंने सोने के लिए वापस जाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कई बार हुआ और इस समय मैं बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था, बल्कि वास्तव में परेशान था। मैं उठा और खिड़की के बाहर देखा तो कुछ नहीं दिखा। बर्फ थोड़ी कम हो गई थी इसलिए इसे देखना आसान था। मैंने फिर से पटरियों पर ध्यान दिया। हालांकि वे लगभग उसी स्थान पर थे जहां वे पहली बार जंगल से आ रहे थे। बिस्तर पर वापस जाने से पहले मैंने ये सुनिश्चित कर लिया कि खिड़कियां बंद कर दी गई हैं।
क्योंकि मैं वास्तव में इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। अगले दिन मैंने अपने पिताजी को बताया और उन्हें डाउट हुआ। हम वहाँ एक साथ बाहर गए और निश्चित रूप से जंगल से हमारे केबिन की ओर, मेरे बेडरूम की खिड़की तक, फिर सामने के दरवाजे तक और फिर जंगल की ओर इंसान के फुटप्रिंट्स दिख रहे थे। हम पहले भी यहाँ आ चुके हैं और जानते हैं कि केबिन के अलावा यहाँ कई मीलों तक कुछ भी नहीं है और कोई भी वास्तव में जंगल में डेरा नहीं डालता। मेरे डैड ने अपने दोस्तों को फ़ोन किया और उन्हें इसके बारे में बताया, लेकिन फिर भी कोई कुछ नहीं कर सका। हालांकि कुछ घंटों बाद वे कुछ छोटे कैमरे ले आए जिन्हें आप दीवार में प्लग कर सकते हैं और फिर आप अपने घर के लाइव फीड को देख सकते हैं। हम उन्हें सुरक्षित कराने के लिए अपने घर के अंदर स्थापित करते हैं। हम कुछ घंटों बाद झील के किनारे निकले। मेरी माँ लगातार कैमरे की जांच कर रही थी और सुनिश्चित कर रही थी कि केबिन के अंदर कोई और ना हो। जब हम मौके पर पहुंचे तो कुछ देर के लिए मछली पकड़ने के दौरान हम सभी ने अपने फोन को कार में छोड़ दिया। हालांकि जब हम कार में वापस आए तो मेरी माँ के पास कैमरे के बारे में ढेर सारी सूचनाएं थी। हलचल को भांपते हुए मेरे डैड ने तुरंत अपने दोस्त को केबिन की जांच करने या पुलिस को बुलाने के लिए बुलाया। जब वो किसी प्रकार के बंदूक के साथ घर के अंदर गए, कुछ मिनट की चुप्पी के बाद उन्होंने कहा कि वहां कुछ भी नहीं है। मैं जानता हूं कि उन्हें पुलिस का इंतजार करना चाहिए था, लेकिन मेरे पिता के दोस्त बिल्कुल अलग नस्ल के हैं। उन्होंने फिर भी पुलिस को बुलाया और स्थिति बताई। हालांकि हमें कोई वीडियो प्रमाण नहीं मिला क्योंकि सस्ते कैमरे लाइव फीड ही दिखाते थे और वास्तव में कोई फुटेज सेव नहीं करते थे। हम अगली कुछ रातें मेरे डैड के दोस्त के घर में रुके, लेकिन कैमरा केबिन में बंद रखा। निश्चित रूप से जिस दिन हम जा रहे थे उसे फिर से हलचल महसूस हुई। मेरे डैड और उनके दोस्त वहां पहुंचे, लेकिन फिर भी अंदर कुछ नहीं था। लेकिन इस बार जंगल से केबिन तक जाने के लिए रास्ते थे, वही रास्ते मैंने पहले और दूसरे दिन देखे थे। मेरे डैड ने उन्हीं राहों पर चलने के बारे में सोचा, लेकिन मेरी माँ ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। ये सोचना थोड़ा अजीब है कि जब हम सो रहे थे तो कोई अंदर आ रहा होगा या दिन के दौरान खिड़कियों से हमें देख रहा होगा। हालांकि भगवान का शुक्र है इससे कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये अभी भी मेरे जीवन के सबसे डरावने अनुभव में से एक था।